तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने जो है एक यहाँ पे ब्रांच कटिंग कर लिया है। ठीक है, यह है इक्वल लेटरल टी ब्रांच 45 डिग्री में। ठीक है, ये मैं बैठा के भी दिखा देता हूँ। तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो भी पहले बना दिया है। ठीक है, कि इक्वल लेटरल टी ब्रांच इस तरीके से बनाना है आप लोगों को। ठीक है, 16 सेंटर लाइन, 32 सेंटर लाइन सब में हमने इसको बना के आप लोगों को दिखा दिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे मार्क करते हैं इसका जो हेडर होल का जो मार्किंग है उसका। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एक सेंटर लाइन यहाँ पे इस तरीके से खींच लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन खींच लेता हूँ और मैं मार्किंग जो है इसमें मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मार्किंग आप लोगों को ऑलरेडी जो है पूरा दिखा दिया है डिटेल में। तो इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सीधा लाइन इस तरीके से खींच लेता हूँ। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे मैं और भी यहाँ पे जो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मैं खींच लेता हूँ और खींचने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन में पहला है हमारा 22.17, तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ 22.17। तो ये हो गया 22.17 और सेम इधर भी 22.17 मारना है। तो ये हो गया 22.17 और उसके बाद यहाँ पे भी एक मारेंगे 22.17। ठीक है, और एक इधर भी। और इसको मिला लेते हैं। ओके, और फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 44.25। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 44.25 लेंगे और उसके बाद दोनों साइड 44.25 लेंगे। उसके बाद 67.5 का है 65.96। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है पूरा मार्क कर देना। चले मैं मार्क करके और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। 44.25 मारो पहले, 44.25। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन का जो मार्क है वो यहाँ पे मार दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका थोड़ा डिग्री भी लिख देता हूँ। तो ये हमारा 0 डिग्री का हो गया, ये 22.5 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 67.5 और ये 90। ठीक है, और सेम उधर भी होगा 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 67.5 और 90 डिग्री। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो आप लोगों को डिटेल में बताया है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो पहले वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आइए अब यहाँ पे इसका जो वर्टिकल लाइन है वो हम मारते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सेंटर से जो स्टार्ट करते हैं मार्किंग। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि आपको ये देखना है कि ये मतलब मैच कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो वहीं से हमको स्टार्ट करना है मार्किंग, वो आप खुद मतलब थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं मार्किंग स्टार्ट करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वर्टिकल लाइन का। तो देखिए सबसे पहला है हमारा 10.38, फिर 42.97, फिर 83, फिर 129 और उसके बाद 152, फिर 157, फिर 159। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इसमें मार्क करना है। तो पहला है हमारा 10.38, तो यहाँ पे मार्क करता हूँ 10.38। तो यहाँ से देखिए, ये देख सकते हैं अब यहाँ से मैं 10.38 मार्क करता हूँ। तो ये हो गया हमारा 10.38। ओके, और फिर है 45 डिग्री का 42.97, तो यहाँ पे मार्क करता हूँ 42.97। ओके, और फिर है हमारे पास 83.41, तो यहाँ पे मार्क करता हूँ 83.41 और उसके बाद है 129.35, उसके बाद 152.78 और उसके बाद है फिर 157 और उसके बाद है 159। ओके, तो ये हमने पूरा मार्क कर दिया हम यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे और एक लाइन पे ये सेम मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको मिलाना भी होगा। ठीक है, तो पहला है हमारा यहाँ पे, इसमें मैंने जिस तरीके से मारा सेम यहाँ पे भी मार देना है। तो 10.38। ओके, तो देख सकते हैं हमने सारा पॉइंट मार दिया। अब चलिए यहाँ पे मैं सभी को मिला देता हूँ इस तरीके से।
ठीक है, और इधर भी हमको इसी तरीके से आगे तक ऐसे खींच लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं सब में जो है इसको पूरा खींच देता हूँ। देख सकते हैं हमने यहाँ पे सभी वर्टिकल लाइन को खींच दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं डिग्री भी लिख देता हूँ। तो ये जो पहला लाइन है ये 0 डिग्री का है, उसके बाद 22.5 डिग्री का, फिर 45 डिग्री, फिर 67.5 और फिर 90 डिग्री, ओके। और फिर 135 और उसके बाद 157.5 और फिर 180, ओके। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको मिलाते हैं। तो ये हमारा 0 है यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आएंगे तो एक यहाँ पे आएगा, ओके, उसके बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे मिला भी देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमने इस साइड का जो है मिला दिया है पूरा। अब सेम हमें इधर भी लेना है, तो इसको मिला देता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से मिला दिया है, ठीक है। अब इधर का देखते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे तो यहाँ पे यहाँ जाना है, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर लास्ट वाला पॉइंट। चलिए इसको भी मिला ही देते हैं हम। तो ये हो गया, उसके बाद फिर यहाँ से ये हो गया, फिर ये हो गया और फिर ये इसके साथ में 0 ही रहेगा, ओके। उसके बाद फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये और फिर ये, ओके। तो इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब आइए इसको रख के देखते हैं इसको। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए अब हम इधर मार्क करते हैं, ठीक है। तो इधर मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 0 का लाइन है तो यहाँ पे भी हम 0 ले लेंगे लास्ट में, ओके। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे मारेंगे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे और फिर यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। तो आइए इसको मैं मिला देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गया था, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ क्या मिस्टेक हुआ था। तो मिस्टेक ये हुआ था कि आपने देखा होगा कि 90 के बाद मैंने क्या किया था, डायरेक्ट यहाँ पे 135 का मार्क दे दिया था, ठीक है, इसलिए तो आ नहीं रहा था। तो अभी मैंने फिर से इसको मार्क किया, तो 90 के बाद यहाँ पे हमारा आएगा 112.5 डिग्री का मार्क, ओके। फिर आएगा 135 का और उसके बाद फिर आएगा 157.5 का, फिर आएगा 180 का, ओके। तो यही मेरे से मिस्टेक हो गया था, तो अभी सही हो चुका है, ओके। तो उसके बाद इधर मार्क करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे और फिर यहाँ पे, इसको भी मिला देते हैं हम। ठीक है, और चलिए अब हम फाइनली जो है इसका जो ब्रांच है वो यहाँ पे हम रख के देख लेते हैं। तो ये हमारा ब्रांच है, ठीक है। तो फ्रेंड्स लगभग ये जो है आ जा रहा है, और प्रॉब्लम क्या है कि ये पेपर है, ठीक है, तो ये इधर उधर से दब जा रहा है, तो इसलिए हो नहीं पा रहा है बराबर। लेकिन जो इसका मार्किंग जो है वो बिल्कुल जो है एग्जैक्ट है, ठीक है, मैंने सब कुछ जो है चेक कर लिया हुआ है, ठीक है। और ये देखते हैं ये मैच भी हो रहा है, मैं इसको थोड़ा फिक्स कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा जो ब्रांच है वो बिल्कुल जो है इस पे बैठ चुका है, ठीक है। और ये देख सकते हैं मैं बाहर से दिखा दिया, अब अंदर से भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए ये अंदर से कुछ इस प्रकार से ये दिख रहा है, ओके। तो इस तरीके से आप जो है हेडर में होल कर सकते हैं इक्वल लेटरल टी ब्रांच का, ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। ये दिख रहा है क्योंकि ये पेपर है और अच्छा से कटिंग नहीं हो पाया, और पेपर थोड़ा फैल भी जाता है कटिंग होने के बाद, तो इसलिए बराबर यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना, मैंने बिल्कुल जो है सही फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ है। देखिए ये पेपर यहाँ पे उठ गया है, तो इसलिए इधर उधर से भाग जाता है, ठीक है।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अभी तक हमने आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है अपने चैनल पे, तो जाइए वहां से सीखिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को जो है अनइक्वल लेटरल टी में कैसे होल किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।